पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति हाँ जी, कौन से वाला? तो कल बतलाया है, क्या बताया है कि ये जो बुद्धि योग है 49वें वाले श्लोक में 49, क्या बतलाया है कि बुद्धि योग की अपेक्षा ये जो सकाम भाव से कर्म करना है। बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग क्या है? बुद्धि योग है समता योग। और समता योग क्या बतलाया था? सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए फल की तृष्णा का त्याग पूर्वक जो कर्म किया जाता है वही क्या है? बुद्धि योग है, समता योग है, योग बुद्धि है, कर्म योग है, है ना? तो इस कर्म योग की अपेक्षा जो कामना से युक्त होकर कर्म किया जाता है वो अत्यंत निकृष्ट है, तुच्च है। क्यों? क्योंकि वो तो हमें जन्म मृत्यु दिलाने वाला है, वो तो निरंतर हमें सुख दुख का भोग कराने वाला है, हमें श्रेय के पथ पर ले जाने वाला नहीं है, कल्याण के पथ पर मोक्ष के पथ पर ले जाने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्धौ शरण मन विच्छा, इसलिए क्या करो, इस बुद्धि योग की ही शरण में आने की इच्छा करो, अर्थात इस बुद्धि योग समता योग का ही आश्रय। कृपणः फल हेतवः, कितने सुंदर पंक्ति है, ते कृपणः ये फल हेतवः कर्म कुर्वन्ति, जो फल की हेतु के लिए फल की तृष्णा के लिए जो कर्म करते हैं वे क्या है? कृपणः, अत्यंत दीन है। क्या है? दीन ही तो है कि कर्म किया सकाम भाव से, फल की इच्छा से, तो उससे क्या होगा? शुभ अशुभ जो कर्म करेंगे उससे पाप पुण्य होगा, और उन पाप पुण्यों का उपभोग करने के लिए फिर क्या होना होगा? ऊंची नीची योनियों में जन्मों लेना पड़ेगा, वो भोग भोगने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? और इसी प्रकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये निरंतर बनी रहे। तो जो इनसे मोक्ष चाहता है, जो विवेकी, सब थोड़ा इस तरफ कदम बढ़ाते हैं, है? कामना का कोई त्याग करते ही करना ही नहीं चाहते। सामान्य जो संसारी जीव है वो तो कामना युक्त ही होकर कर्म में प्रवृत्त होते हैं, है ना? ऐसे तो बहुत जो सीमित ही है जो कामना का, फल की तृष्णा का त्याग करके चित्त शुद्ध्यर्थम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए चित्त शुद्ध्यर्थम, चित्त की शुद्धि के लिए निष्काम भाव से कर्म में प्रवृत्त होने वाले तो बहुत नहीं, थोड़े भी हो जाए अच्छी बात है, होना तो सबको ही चाहिए। सबको ही होना चाहिए ना कि सबके सब मुक्त हो जाए, सबके सब
क्या हो जाए, परमात्म प्राप्ति कर ले, परमानंद में निमग्न हो जाए। इसी भाव से अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता सुनाई है और इसी भाव से संत लोगों ने उपदेश किया कि जीव मात्र का कल्याण। तो ते कृपणः फल हेतवः, फल हेतु जो कर्म करते हैं वे क्या है, कृपण है। तो आगे देखो जी, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगा कर्म सुकौशलम्। बुद्धि युक्तः, बुद्धि युक्तः जहाति, जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते तस्माद्, तस्माद् योगाय, योगाय युज्यस्व, युज्यस्व योगः, योगः कर्मसु, कर्मसु कौशलम्। कौशलम् बुद्धि युक्तः, जो बुद्धि से युक्त है। बुद्धि से युक्त मतलब जो बुद्धि योग से युक्त है, मतलब बुद्धि योग मतलब नहीं बुद्धि प्रसंग जो चल रहा है ना, ऐसे थोड़ा कुछ भी अर्थ कर लेंगे। जो प्रसंग है उसकी बात है। तो बुद्धि युक्ता से मतलब है समता रूपी बुद्धि योग, जो समता योग बताया है ना, समत्वम योगा उच्यते जो कहा है। तो समता बुद्धि योग से जो युक्त है, इह माने इस संसार में ही। कितनी सुंदर बात है, कहाँ इह अस्मिन लोके, अस्मिन शरीर स्थिति काले एवा, इस शरीर के रहते रहते ही क्या, उभे सुकृत दुष्कृते जहाति, जो दोनों के दोनों, जो सुकृत माने जो पुण्य है और दुष्कृत माने जो पाप रूप है, इनका जो सुकृत दुष्कृत का जो फल है, क्या है सुकृत का फल क्या है, पुण्य, और दुष्कृत का फल क्या है, पाप। तो उभे सुकृत दुष्कृते जहाति, इस शरीर में ही, इस संसार में ही, इस पाप और पुण्य दोनों से क्या होता है, त्याग कर देता है। जहाति माने इनका परित्याग कर देता है। समझ आया, कौन समता बुद्धि योग से जो युक्त है, ऐसा जो साधक है, यह इस संसार में ही उभे सुकृत दुष्कृते जहाति, ये दोनों के दोनों, क्योंकि कोई भी कर्म करेंगे या तो पुण्य होगा या फिर पाप, कुछ ना कुछ तो होगा। सुकृत होगा तो क्या होगा, पुण्य, दुष्कृत होगा तो क्या होगा, पाप, होगा ही होगा, न होने का प्रश्न ही नहीं है। कर्म का फल होगा ही होगा, कुछ भी करेंगे तो, या तो पुण्य होगा या पाप होगा, और साधक को दोनों ही बांधते हैं। संसार जो अधम प्राणी हैं उसकी किस में राग होता है, दुष्कृत में राग होता है, पाप कर्म में उसकी सहज ही प्रवृत्ति होती है। और जो थोड़ा सा सज्जन व्यक्ति है संसारी ही, उसकी किस में थोड़ी सी आसक्ति होती, राग होती है, शुभ कर्म करने है? वो शुभ कर्म करता है पुण्य के लिए, और दुष्ट व्यक्ति की स्वाभाविक रूप से अधर्म में रुचि रहती है, स्वाभाविक रूप से, है ना। लेकिन ये जो साधक है, जिसको ना पाप से संबंध रखना है ना पुण्य से संबंध रखना है, जिसको संबंध स्थापित करना है किसके साथ में, परमात्मा के साथ,
किसके साथ में? लक्ष्य जिसका परमात्म प्राप्ति है, ऐसा जो साधक है। और जितने बारंबार हम कहते हैं, मनुष्य मात्र का लक्ष्य कर्तव्य वास्तव में तो परमात्म प्राप्ति ही है, और इसीलिए ये सुंदर सारा साज बनाया है, है ना। स्वकर्तव्य करो, सेवा करो, परोपकार करो, है? लोगों के कष्ट मिटाओ, दुख मिटाओ, मनुष्य मात्र जीव मात्र से प्रेम करो, सबके प्रति करुणा का भाव रखो। इसी से क्या होगा, आपका चित्त निर्मल होता जाएगा। इससे क्या होगा, और चित्त निर्मल होता गया तो ये जो ज्ञान है ना, शास्त्र गुरु प्रदत्त ज्ञान, सहज ही हृदय में ठहर जाएगा। और इसका मनन निधिध्यासन हो करके तत्व निष्ठा की, परमात्म निष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी। बताओ इससे सुंदर और कुछ हो सकता था क्या? हो सकता था? तो सारा कुछ इतना सुंदर, सब अवसर है। अब अवसरों को व्यक्ति जबरदस्ती परित्याग कर दे तो कोई क्या कर सकता है? इतने सुंदर अवसर है, सेवा का अवसर, परोपकार का अवसर, है ना, अपने कर्तव्य करने का अवसर, दूसरों के दुख दूर करने का अवसर, सबसे प्रेम, सबके प्रति करुणा का भाव रखने का अवसर। इतना अच्छा अवसर है किसी मनुष्य योनि को छोड़ के, है किसी योनि में ये अवसर है? बताओ। और फिर इस मनुष्य योनि में भी व्यक्ति ऐसे ही श्वासों को बिताता रहता है, ऐसे ही ध्यान ही नहीं देता, जीवन यापन कर रही है। जीवन यापन करने की चीज है क्या है? भाई ये तो सुंदर जीवन है, इसको अच्छे से जी सके हम, इसमें तो तत्व निष्ठा को, परमात्म निष्ठा को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, आत्म कल्याण करना है। इस शरीर के रहते रहते बहुत शीघ्र, और जितनी भी जल्दी हो जाए उतना ही देर है, देर ही है, जल्दी कुछ नहीं है, ये जल्दी है। लेकिन आदमी योजना बस एक महीने बाद, 15 दिन बाद तो साधना ही साधना कर रहा है। जब तू आज नहीं कर सकता, 15 दिन बाद कर लेगा क्या? बस जी 2 साल की बात है, 2 साल के बाद तो बस भजन ही भजन करना है। वो बिल्कुल जरूर, जो आज नहीं कर सकता वो 2 साल बाद करें, मतलब ही नहीं। तो ये जो साधक है ना, इसको पाप चाहिए ना इसको पुण्य चाहिए। इसको किससे मतलब है? इसको मतलब है दोनों पाप पुण्य से मुक्त होने से, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बांधते हैं। पाप जो है वो निम्न योनियों में, नीच योनियों में लेकर के जाता है, और पुण्य भी देवलोक आदि में ले जाता है, लेकिन पुण्य उपभोग के पश्चात फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्र में ये जीव पड़ जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, इह एव उभे सुकृत दुष्कृते जहाति। ये जो समता बुद्धि योग से युक्त है, वो यहीं पर ही दोनों सुकृत पुण्य और दुष्कृत जो पाप है, इनका परित्याग कर देगा। कैसे परित्याग कर देता है वो तो समझ आ ही गया होगा पीछे, कैसे? क्योंकि फल की इच्छा से रहित तो होकर के करता है, फल की तृष्णा नहीं है, और जो भी सिद्धि असिद्धि जो भी फल है उनमें सम रहता है, उनमें सम रहता है। इसलिए समता बुद्धि युक्त होना ही समत्वम, जिसको योग कहा है, समता रूपी जो ये योग है, इस समता योग से युक्त होना ही पाप और पुण्य दोनों का यहीं पर परित्याग करना है। तस्माद् योगाय युज्यस्व। इसीलिए क्या कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू योग का ही क्या कर, इसमें ही नियुक्त हो, इसी का
आश्रय ले, इसी का प्रयत्न कर, इसमें लग जा। किसमें? योग में। योग क्या? समता योग। किसमें लगना है? क्योंकि यही चित्त शुद्धि का एकमात्र साधन है, समता योग। तो समता योगाय युज्यस्व, इसलिए तो योग के लिए ही युक्त हो जा, उसका उसके लिए ही यत्न कर। समझ आया? तो योग से मतलब यहां पर क्या है? समता रूपी जो बुद्धि योग कहा है। योगः कर्म सुकौशलम, और क्या कहा है? योगः कर्म सुयोगः, जो कर्म में करते हुए जो समता योग है ना, यही क्या है? यही वास्तव में कुशलता है। लोग इसका अर्थ बड़ा उल्टा करते हैं, इसका अर्थ बड़ा उल्टा, कर्म सुकौशलम एव योगः, इस तरह से अर्थ कर देते हैं बुद्धिमान लोग, कि कर्म में कुशलता ही क्या है? योग है। कर्म में कुशलता ही योग है, लेकिन ऐसा अर्थ भाष्यकार को अभिष्ट नहीं है। योगः कर्म सुयोगः, कर्म में जो समता योग से युक्त होकर कर्म करना है, यही कौशलम, यही कुशलता है। कुशलता क्या है? कुशलता यही है सबसे बड़ी, कि जो कर्म या तो पुण्य देता था या पाप देता था। कुशलता क्या है? जो कर्म अवश्यमेव पाप या पुण्य देता था, अब वही कर्म ना पाप देता है ना पुण्य देता है, बल्कि हमारे हृदय को, चित्त को शुद्ध करता है। जो जल जिसका स्वभाव था क्या? शीतल। शीत स्पृशवत्यापह, शीतल जो स्पर्श वाला है वो जल है, उसका स्वभाव है, स्वभाव गुण धर्म है ना जल का, क्या? शीतल। तो जल एक तरह से अपना क्या करे? स्वभाव का परित्याग कर दिया। तो बड़ा कठिन होता है ना, कल बताया था स्वभाव द्वतिक्रम, स्वभाव का अतिक्रमण करना इतना सहज है क्या? इतना सहज नहीं है, स्वभाव को बदलना सहज नहीं है ना। मना तेरी आदत ने कोई बदलेगा हरिजन सूर, और चोर ज्वारी क्या बदलेंगे? माया की मदद। मन तेरी आदत ने, तो स्वभाव को बदलना, और स्वभाव ही तो बदलना है, है? जो इंद्रियों का मन का स्वभाव निरंतर विषयों की ओर है, हैं? अधा मार्गी है, नीचे की ओर है प्रवाह, उसका क्या करना है? ऊर्ध्व मार्गी बनना है। जो हमारी ऊर्जा का, इंद्रियों का प्रवाह स्वाभाविक रूप से क्या है? निम्न की ओर है, नीचे की ओर है, और उसका प्रवाह क्या करना है? अपनी ऊर्जा का प्रवाह क्या करना है? ऊपर की ओर। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वरेता। सुना है ऊर्ध्वरेता? जैसे जो रेता, रेता कहते हैं वीर्य को, ऊर्जा को, तो अधरेता, अधरेता माने जैसे वीर्य का स्वभाव क्या है? नीचे की ओर ही बहना। लेकिन जिन्होंने प्राणायाम आदि के, ध्यान के, संकल्प आदि के अभ्यास से जो ऊर्ध्वरेता बन गए हैं, अपनी जो ऊर्जा है उसको ऊपर की ओर जिन्होंने प्रवाहित कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वरेता। तो ऐसे ऐसे हुआ, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। पढ़े ब्रह्मचर्य के विषय में, ब्रह्मचर्य की महिमा? अरे पढ़ाई क्या है भाई, मरणम बिंदु पाते न। योगी के लिए, साधु के लिए तो क्या कहा है कि वीर्य का पात ही मरण है। जीवनम बिंदु धारणात्,
और बिंदु का धारण करना ही वास्तव में जीवन है। इसकी भी कभी सुनाएंगे तुम लोगों को महिमा कि कितनी कितनी शास्त्रों में वर्णित है। ग्रंथ जो है देखने चाहिए, समझने चाहिए। हाँ जी, तो क्या बता रहे, जैसे स्वभाव इंद्रियों का अंतःकरण का स्वभाव क्या, निरंतर जैसे बहिर्मुख रहना। ऊर्जा का स्वभाव है जैसे निरंतर नीचे की ओर बहना, लेकिन उसको ऊपर की ओर परावर्तित कर देना, तो वो तो यतन से ही संभव है, प्रयत्न से तप से ही संभव है, सहज में संभव नहीं। तो उसी प्रकार जो कर्म का स्वभाव है फल देना, या तो पाप देगा या पुण्य देगा, लेकिन जो समता बुद्धि योग से युक्त होकर जो कर्म करता है वो पाप और पुण्य को इह एव जहाति यहीं पर त्याग देता है। इसीलिए योगाय युज्यस्व, तुम योग के लिए ही क्या करो, यतन करो, योग में ही युक्त हो जाओ। योगः कर्मसु कौशलम्, कर्मसु योगः एव कौशलम्। कर्म में योग का रहना मतलब समता योग का रहना, यही क्या है, कौशलम माने कुशलता है, दक्षता है, यही दक्ष। क्योंकि कोई कोई कर पाता है ना, अधिकतर लोग तो कर्म में प्रवृत्ति करेंगे तो फल की तृष्णा से युक्त होकर करेंगे। अधिकतर दुनिया कर्म में प्रवृत्ति क्या है, फल की तृष्णा से युक्त होकर के ही है ना। लेकिन जो फल की तृष्णा से रहित होकर जो कर्म करता है वही योग है, और यही कुशलता है, और यही इस शरीर में इस लोक में पाप और पुण्य का परित्याग है। तो मतलब पात्रता का संपादन हो गया है पूरी तरह। भाष्यकार ने कहा है सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारेणा, पुण्य पाप का यहीं पर परित्याग होने का मतलब है सत्व शुद्धि हो जाएगी। जो ज्ञान प्राप्ति द्वारेणा, ज्ञान प्राप्ति का द्वार ही है सत्व शुद्धि ही, ज्ञान प्राप्ति का क्या है, द्वार है। आप सोचो कि इसको हम बाईपास करके चल पड़ेंगे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं। समझ आ गया, समझ गया, इतनी सहज में आने वाले है ये, क्योंकि बहुत बहुत गहन अर्थ को अपने में लिए हुए, बड़े गहन अर्थ को समेटे हुए अपने, इनको समझना सहज नहीं है। क्यों लगता है समझ में आ गए लेकिन आए आए भी वास्तव में आए नहीं, लगता है कि आ गया। तो देखो जी आगे बताऊं, कर्मजं बुद्धियुक्ता फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजम कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धः विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही माने यस्मात्, जिसलिए जिस कारण से, कर्मजं फलं त्यक्त्वा बुद्धियुक्तः मनीषिणः। बुद्धियुक्ता जो बुद्धि योग से युक्त है, बुद्धि योग सब जगह लिख लेना, इन श्लोकों में जो एक कोई भी पुस्तक रखो ना तो एक ही होनी चाहिए, पहली बात स्वाध्याय की पुस्तक एक ही होनी चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी एक एक कुछ वैसे लिखना तो नहीं चाहिए पुस्तक में, पर ये कुछ ऐसी बातें होती जो लिख लेनी चाहिए, क्योंकि फिर यदि सीधा अर्थ करोगे ना
तो शब्द का अर्थ तो समझ में आ जाएगा लेकिन उसका भाव समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जगह जगह लिख लेना जहाँ जहाँ पर अभी तक सुना है ये, तो बुद्धि युक्ता का मतलब है समता बुद्धि योग। अच्छा, इसमें अर्थ समझाया हुआ ना, हाँ तो वो ठीक है यदि अर्थ समझाया हुआ है, पर बहुत जगह गलत भी है इनमें। एक जगह पीछे बताया था जहाँ सांख्य योग आ रहा था, तो वहाँ इन्होंने क्या किया हुआ था, वहाँ पर इन्होंने किया हुआ था बुद्धि योग, अब तो मैंने ध्यान दिया नहीं और मैंने बताया भी था। हाँ जी, तो ये सब जगह समझ लेना चाहिए। तो बुद्धि युक्ता समता रूपी बुद्धि योग से जो युक्त है, कर्मजं फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, कर्मजन्य जो फल है, कर्मजन्य जो फल है उसको त्याग करके मनीषिणः, जो मनीषी लोग, जो मनीषी है, मनीषी माने बुद्धिमान, मनः ईशा मनीषा, मनीषा कहते बुद्धि को, मन की स्वामी। क्या है अब ये बताओ, बुद्धि मन की स्वामी है या मन बुद्धि का स्वामी है? सही तो ये है कि बुद्धि मन की स्वामी है, सही बात तो ये है, लेकिन हो गया उल्टा ना। इंद्रिय और मन विषयों में ऐसे लोलुप हुए कि बुद्धि इनकी दासी बन गई। बुद्धि की चलती है क्या, किसकी चलती है? मन की चलती है ना, मन और इंद्रियों की। तो इसलिए जो मनीषा है, वैसे तो समझ आया बुद्धि मन की स्वामी, लेकिन स्वामी कौन बन गया, मन बना हुआ या बुद्धि बनी हुई है? बुद्धि बनी हो तो इसका मतलब फिर तो विवेक मार्ग पर चले, लेकिन बना हुआ कौन है? मन। मनमानी चल करना, मनमान मन के हिसाब से चलना, ये क्या है, है? मन के हिसाब से चलना ये क्या हुआ, तो ये फिर विवेक वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मनीषिणः जो बुद्धिमान विवेकी लोग है, विवेकी तो चलेगा बुद्धि योग पर, समता बुद्धि योग से जो युक्त है वे कर्मजन्य फल को त्याग करके, कर्मजन्य फल क्या है जो पीछे बता ही दिया है, सुकृत दुष्कृत, पाप और पुण्य जो कर्मजन्य फल है इसको त्याग करके मनीषिणः जो मनीषी लोग है, जन्म बंधा विनिर्मुक्ता, क्या हो जाते हैं, वो जो फल पीछे बताया था वो फल यहाँ पर बता दिया, जन्म रूप जो बंधन है इससे विनिर्मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जन्म का हेतु कौन है, कर्म का जन्य जो फल, कर्म जन्य फल जो पाप या पुण्य है वही किसका हेतु है, जन्म का हेतु है। जन्म का हेतु कौन है? हाँ कर्म, कर्म तो है लेकिन कर्म का फल ही तो है ना, कर्म से खाली कर्म कुछ नहीं होता ना, कर्म का फल होता है जो भी कर्म करेंगे। तो कर्म जन्य जो फल है उसका क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है मनीषी ने, जो समता बुद्धि योग से युक्त है। तो इसीलिए वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं, समझ आया? तो क्या फिर दोबारा जन्म नहीं होता, ये हुआ इसका मतलब। तो फिर यहाँ पर और बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पर मात्र कर्म का फल बता दिया है कि कर्म फल का त्याग कर दिया समता बुद्धि योग से, योग में स्थित है, तो इससे हम जन्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि संचित कर्म तो पड़े हुए हैं। ठीक है प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, संचित कर्म तो पड़े हुए, हाँ ठीक है, जो आगामी कर्म जिसको क्रियामान कर्म भी कहते हैं वो नहीं बनेंगे, लेकिन क्या जन्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे? नहीं।
तो यहाँ पर ये समझना है कि कर्मजन्य फल का जिस समता बुद्धि योग से युक्त मुनि ने मनीषी ने परित्याग कर दिया है, तो मतलब चित्त शुद्धि उसकी हो जाती है, ज्ञान प्राप्ति का वो अधिकारी हो जाता है। भावी बता रहे ना, भावी, जैसे कोई बालक जो है पढ़ने में अच्छा है, पढ़ाई में वो अच्छा है, तो कह देते अरे भाई ये तो कलेक्टर बनेगा, ये तो क्या बनेगा, कलेक्टर बनेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि कलेक्टर कल ही बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि निरंतर इसी मेहनत, इसी परिश्रम, इसी एकाग्रता से यदि पढ़ता रहा तो एक दिन क्या होगा, ये कलेक्टर बन जाएगा। तो वैसे यहां पर कह दिया है ना कि जिसने कर्म जन्य फल का परित्याग कर दिया है तो इसका मतलब वो जन्म बंधन से निर्मुक्त हो गया, नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि ये उस सांख्य योग के ज्ञान योग के पथ पर चल पड़ा। ये बात समझने की है, क्योंकि यदि इस तरह से मुक्ति मानने लग गए तो ज्ञान के बिना भी मुक्ति हो जाएगी, एक बात, और जो युक्ति युक्त प्रतीत भी नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि संचित कर्मों का भंडार इतना था है, कब तक भोगेगा, कब तक समाप्त होंगे पता ही नहीं, कोई सीमा ही नहीं है ना, और जीव जीव भाव बना रहा, कर्म भी नहीं रहे तो अज्ञान तो मिटा नहीं, जीव भाव तो बना बना रहा, कर्म फल नहीं रहा पर जीवत्व तो बना रहा, तो बताइए वो मुक्त हो जाएगा क्या? तो ज्ञान के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती, ये तो अकाट्य सिद्धांत है, ये तो अकाट्य सिद्धांत है। ब्रह्मात्मकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा, स्पष्ट रूप से कह दिया गया है आत्मा की ब्रह्म के साथ एकता की अनुभूति के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होता है, चाहे कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता यजन्तु देवता, सब बता दिया, आत्मैक्य बोधेन बिना भी मुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे भी। समझ आया? तो इसलिए ज्ञान के बिना तो मुक्ति नहीं होगी, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है, लग तो ये रहा है कि जिस समता बुद्धि योग से जो युक्त है कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, ऐसा मनीषी जिसने कर्मजन्य फल का त्याग कर दिया है वो जन्म बंधन से विनुर्मुक्त हो जाता है, ऐसा अर्थ लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जन्म बंधन से विनुर्मुक्त ऐसे नहीं होता है, मतलब ज्ञान प्राप्ति की पात्रता आ गई, ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो गया, सत्व शुद्ध हो गया, अंतःकरण निर्मल हो गया है, तो उसके पश्चात तत्व ज्ञान से जब अपने स्वरूप का बोध होता है तभी जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म रूप बंधन से विनिर्मुक्त होता है, मतलब आगे होता है, इससे तो ज्ञान की मात्र पात्रता का संपादन होता है, है ना, वाता ना कि कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः, तो वहां पर भी कि कर्म के द्वारा ही जनक आदि को संसिद्धि की प्राप्ति हुई है, तो इसका मतलब क्या, मोक्ष की प्राप्ति हुई, नहीं नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हुई है पर कर्म के द्वारा जो निष्काम भाव से कर्म किया उसे चित्त शुद्ध हुआ, उसके पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई, संत सदगुरु से ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी तो मोक्ष होगा, तभी जीवन मुक्ति होगी, या कर्म से ही, कर्म फल के त्याग मात्र से ही मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि बाहर से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि कर्म का फल, अब जो हिंदी पढ़ेगा इसकी तो इसमें तो क्या है, वो तो यही सोचेगा, वो तो इसीलिए तो ये गीता पुस्तक पढ़ के बहुत से लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर ली, तो उसका परिणाम क्या है, कोई कह जी मैं तो कर्म को ही पूजा मानता हूँ, कर्म का ही पुजारी हूँ, कर्म ही बस सब कुछ है, और बस वो कभी भी ज्ञान निष्ठा, ज्ञान चिंतन, ज्ञान श्रवण की तरफ बढ़ते ही नहीं है, है ना। तो अधिकतर बुद्धिवादी लोग, क्योंकि बुद्धिवादियों को बुद्धिवादी समझ रहे हैं ना, जो अपने आपको बुद्धिमान समझते हैं, तो बुद्धिवादियों को यही मत समीचीन लगता है, यही ठीक लगता है, लेकिन
इसके रहस्य से वो अनभिज्ञ है, रहस्य को नहीं समझ, तो समझ लो। समझ आया कि कर्मजन्य जो फल का त्याग करके मनीषी लोग बुद्धि जो योग समता योग बुद्धि से युक्त है तो वे जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंधन से विनिर्मुक्त हो जाते हैं ज्ञान प्राप्त करके। क्या जोड़ना पड़ेगा? ज्ञान प्राप्त, हाँ, ज्ञान प्राप्ति उत्तर काल में। और अनामयम पदम गच्छन्ति, और जो रोग रहित, आमय कहते बीमारी को, आमय किसको कहते हैं? बीमारी को। और अनामय माने जो बीमारी से रहित, इससे बीमारी से व्याधि से रहित, तो यहाँ पर अभिप्राय ले लेंगे उपद्रव रहित, जो भाष्यकार ने कहा है सर्वोपद्रव रहितम, सब प्रकार के उपद्रव से रहित उस पद को प्राप्त कर लेते, जो परम शांत पद। जितने भी पद है सब में उपद्रव है कुछ ना कुछ, सब में क्या है? घटना बढ़ना है, सब में क्या है? पाना खोना है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं हैं, सुख दुख है। जितने भी पद, विष्णु का ही पद है, या विष्णु का पद शाश्वत है क्या? या ब्रह्मा का पद है वो शाश्वत है क्या? वहां पर भी क्या है? वहां पर भी उत्पन्न और विनाश रूप उपद्रव है ही, नहीं है? उत्पत्ति और स्थिति और विनाश, ये तो सब सब संयुक्त है एक आत्म तत्व को छोड़ करके, सब के सब इससे क्या है? संयुक्त ही है। इसलिए वहाँ पर उपद्रव बना ही बना रहता है। लेकिन ये जो मोक्ष जिसको कहा गया ना, अनामयम पदम गच्छन्ति, जो अनामय समस्त रोगों से रहित, सब के सब रोग लगे हैं, है ना? किसी के तन में रोग, किसी के मन में रोग, है ये रोग ही रोग है ना, आधी व्याधि है शरीर में, आधी है अंतःकरण में, और उपाधि है कारण शरीर में, तो सब के सब क्या है? रोग संयुक्त ही है। लेकिन ये जो मोक्षाख्य पद है, आत्मपद, जो अपना स्वरूप, ये क्या है? अनामयम पदम गच्छन्ति, ऐसे जो लोग है वो अनामय पद को प्राप्त करते हैं। कौन? समझ लेना, है समत्व बुद्धि योग वाले आरंभ हुआ है, पर चित्त शुद्धि द्वारेणा ज्ञान प्राप्ति उत्तर काल में। चित्त शुद्धि हो गई, उसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे जन्म बंध से विनिर्मुक्त होकर अनामय पद को गच्छन्ति प्राप्त करते। समझ आ गई? समझ लेना इसको अच्छे से, आगे बताया जाए। है जी, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्ताशि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा यदा ते मोहकलिलम् मोहकलिलम् बुद्धिः बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यतितरिष्यति तदा तदा गन्ताशि 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 निर्वेदम् निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम्, यदा माने जब, यदा माने जब, ते बुद्धि तेरी बुद्धि, ते बुद्धि जब तेरी, यदा माने जब ते तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, इस मोह रूपी जो कलिल है
जो कालुष्य है इस कालुष्य को व्यतितरिष्यति माने पार हो जाता है, इसका अतिक्रमण कर लेती है तेरी बुद्धि। समझ आया? यदा माने जब ते माने तव तेरी बुद्धि बुद्धि मोह कलिलम इस मोह रूपी कलिल को इस कीचड़ को अविवेक रूप, जो क्या है अविवेक रूप है, ये मोह रूपी कलिल क्या है अविवेक रूप है, इसको व्यतितरिष्यति माने पार कर लेती जब तेरी बुद्धि। अभी भाई कोई भी से चल रहा है कौन सा? हाँ, जो समता बुद्धि योग का अनुष्ठान करता है, मतलब निष्काम भाव से फल की तृष्णा से रहित होकर और जो भी फल है उसमें सम रहते हुए कर्म करता है, उसका फल बता रहे हैं। उसका जो अंतिम फल है वो तो बता दिया, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नामयम, ये तो क्या बताया है, ये तो इनके द्वारा जो इस पथ का चलेंगे अंतिम जो फल मिलेगा, लेकिन अभी तुरंत जो फल मिलेगा वो इसी श्लोक में बता। समझ आई बात? वो जो फल बताया है वो तो बता दिया लक्ष्य मंजिल, कि जन्म बंध से विनिर्मुक्त होकर जो अनामय पद है उस पद को प्राप्त कर लेता है, वो तो अंतिम फल बता दिया, लेकिन अभी का फल क्या है, जो समता रूपी बुद्धि योग में स्थित है। अभी का फल भी पीछे बताया था एक बार, तो क्या बताया था, उभे सुकृत दुष्कृते इह एव जहाति, पाप और पुण्य से यहीं पर इस लोक में ही वो परित्याग कर देता है, मुक्त हो जाता है पाप और पुण्य से, ये पीछे बता दिया है। लेकिन और उस जो पाप पुण्य से मुक्त हुआ तो क्या हुआ, पाप पुण्य का स्पर्श उस साधक को नहीं हुआ जो समता बुद्धि योग से युक्त है, तो उससे क्या होगा वो बता रहे हैं। समझ आई बात? तो यदा ते बुद्धि, जब तेरी बुद्धि मोह कलिलम, ये मोह रूपी जो कलिल है कीचड़ है, इसको क्या कहा है अविवेक रूपम, क्या कहा है इसको अविवेक, अविवेक बना रहता है ना, विवेक नहीं होता है, तो जिसको कहा है आत्मानात्म विवेक बोधम कलुषी कृत्य, आत्मा अनात्मा का जो विवेक ज्ञान है, उस विवेक ज्ञान जो है वो मोह रूपी इस अविवेक के द्वारा क्या हो गया है, बाधित हो गया, वो बाधित, हाँ कलुषी कृत्य, वो बिल्कुल उसको मैला कर दिया है। हमारे जो बोध है, बोध तो है हमें अभी भी, आत्मा का बोध है नहीं है, है लेकिन बोध कैसा है, विशुद्ध बोध है या मलिन बोध है, कलुषी कृत बोध है या निर्मल बोध है, बोध तो है ना कि मैं हूं, पर बोध क्या है, मैं शरीर हूं, ये बोध है ना, तो सही बोध नहीं है। तो इसी को बात को कह रहे हैं कि हमारा जो बोध है उस बोध को क्या कर दिया है, कलुषी कृत्य, उस बोध को मैला कर दिया है, किसने, इस मोह अविवेक ने, किसने, इस मोह अविवेक ने हमारे बोध को मैला कर दिया है। लेकिन जो समता बुद्धि योग से कर्म करेगा तो उसका चित्त शुद्ध होता जाएगा, पाप पुण्य से रहित होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, यदा
जिस समय इस प्रकार समता योग का अनुष्ठान करते करते तेरी बुद्धि मोह रूपी इस अविवेक रूप कलिल को पार कर जाएगी, कालुष्य को पार कर जाएगी, दूर हो जाएगा। भविष्य के लिए कह रहे हैं, अभी नहीं हो जाएगी, करता रहेगा तो धैर्य पूर्ण, बड़ा अधीरता होती है, शीघ्रता बड़ी होती है, जल्दबाजी। कहते नहीं, धैर्य पूर्वक जो समता बुद्धि योग में लगा हुआ है वो ये है साधना। ये क्या है? ये साधना है, समता बुद्धि योग से युक्त होना, ये साधना है, साधना का अंग है ना। तभी तो जा करके अद्वैत ज्ञान होगा, अद्वैत अनुभूति होगी। तदा क्या होगा फिर? यदा, जब तेरी बुद्धि मोह कलिल को पार कर जाएगी, तदा तब तू क्या होगा? असी जो है हो जाएगा, मतलब होगा निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासी प्राप्यसी। वो गंतासी हमने जो अलग अलग वो कर दिया ना, गंतासी त्वम गंतासी, इसी में आ जाएगा, एक ही ये क्रियापद है। तो श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासी तदा, तदा माने तब। गंतासी जो मध्यम पुरुष क्रियावचन प्रयुक्त कर दिया है तो त्वम का अपने आप ही अध्याहार हो जाएगा। तो त्वम माने तू, जब तेरी बुद्धि मोह कलिल को पार कर जाएगी, तदा माने तब श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो श्रुतस्य माने जो सुना हुआ है, और श्रोतव्य जो सुनने में सुनने योग्य है, जो सुना हुआ है। और ऐसा भी है कि जो हमने सुना तो नहीं है, लेकिन श्रवण का जो विषय है, मतलब शास्त्रों में है, श्रुतियों में है, लेकिन सारा कुछ तो सुना हुआ नहीं है ना। जैसे स्वर्ग आदि सब क्या है? सुने हुए हैं, लेकिन उनमें भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमने सुना हुआ नहीं है, समझ आया? तो जो श्रुत है और जो श्रोतव्य, श्रोतव्य का व्यापक अर्थ कर रहा हूं मैं, जो कुछ भी सुना जाने वाला है, अर्थात जो कुछ भी हमारी श्रोत्र इंद्रिय का विषय है, कितना बड़ा व्यापक अर्थ है, जो कुछ भी श्रोत्र इंद्रिय का विषय है, श्रोतव्य है, उनसे निर्वेदम गंतासी, निर्वेदम माने वैराग्य को, गंतासी माने प्राप्त कर जाएगा, प्राप्त कर लेगा, समझ आया? वैराग्य को प्राप्त कर ले। कब? कब? समता बुद्धि योग के अनुष्ठान के द्वारा क्या होता जाएगा? तेरा सारा का सारा जो कालुष्य है चित्त का, वो दूर होता जाएगा, अविवेक दूर होता जाएगा, है ना। तो तेरी बुद्धि मोह रूपी कलिल को, अभी साधन की बात चल रही है, इसको साध्य मत समझ लेना। साध्य क्या है? आत्मानुभूति साध्य है, अभी वैराग्य मात्र हुआ है इसको, मतलब उसमें अर्थ मत लगा लेना कि तू जो है वो आत्मनिष्ठा हो जाएगी, मानी वो बात नहीं बता रहे अभी। क्या बता रहे हैं? वैराग्य हो जाएगा किससे? जो सुना हुआ है और जो देखा हुआ है, इसका मतलब सब कुछ आ गया, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, ये उपलक्षण है, मतलब जो जो भी इंद्रियों का विषय है, जहाँ तक जिसको तुलसीदास ने स्पष्ट कह दिया, गो गोचर जहाँ लग मन जाए सो सब माया जानो, तो ये उपलक्षण है, उससे उसको भी ग्रहण कर लेना। इंद्रिया और मन कि दौड़ जहां तक है, वो सब उस सब से तू क्या हो जाएगा?
वैराग्यम निर्वेदम गंतासी वैराग्य प्राप्त कर लेगा। समझ आई बात नहीं है? समता बुद्धि योग के अनुष्ठान से मोह, जब तेरी बुद्धि इस मोह अविवेक रूप कीचड़ को पार कर जाएगी, तदा माने तब श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासी, जो कुछ भी सुना हुआ है या सुनने में आने वाला है, जो कुछ भी देखा हुआ है या देखने में आने वाला है, जो कुछ भी विचारा हुआ है या हमारे मन का विषय होने वाला है, उन सब से, क्योंकि एक जो ब्रह्म है वो इंद्रियों का विषय है क्या? इंद्रियों का विषय है क्या? और बाकी सब का सब क्या है? और भी किसी का विषय नहीं है तो क्या है? मन और वाणी, ये दो इंद्रिया बलिष्ठ हैं क्या? इसलिए बार बार बोल देते हैं वाग मनसो गोचरम, बार बार बोलते हैं ना, वाणी और मन, ये बहुत दूर का कथन कर देती, वाणी भी बड़ी दूर का कथन कर देती और मन से भी बहुत दूर तक हम विचार चिंतन कर लेते हैं, इनसे इनसे आगे तो नहीं कोई जा सकता, जा सकता है इंद्रिया। तो यहाँ पर ये बात बताते हैं कि जहाँ तक भी इनकी पहुँच है वो सब माया है, और इनसे जो अलग रह गया है बस वो अपना स्वरूप है, वही परमात्मा है। तो देख लो, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासि, इनसे तू वैराग्य हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा। बहुत बड़ा धन है ना, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? साधक साधु सन्यासी के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जिस वैराग्य के विषय में संसारी जीव सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वैराग्य, सबसे वैराग्य। समझ आ रहा है? मन की भी जो कुछ भावना, ये सब विचार, इन सब से भी वैराग्य, अनुकूलता, चाह, आशा है, इनका बड़ा वो रहता है, प्रशंसा, अनुकूल की बड़ी चाह रहती है, इन सब से वैराग्य। समझ आए? तो निर्वेदम गंतासि वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। कब? जो मलिन अंतःकरण वाला है, इसको भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, उसको वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य का आभास मात्र है, जल जैसे मरुभूमि में रेत के टिब्बे के ऊपर जल होता है क्या? भासता है ना? भासता तो है नहीं। तो वैसे ही वैराग्य इस प्रकार यदि तू अनुष्ठान नहीं करेगा समता बुद्धि योग का, तो वैराग्य हो सकता है दिखे, जैसे अर्जुन में वैराग्य दिख रहा है ना, वैराग्य है क्या? जो भी कोई पढ़ेगा प्रथम अध्याय, वो कहेगा देखो अर्जुन कितना वैराग्यवान, कितना विवेकी, विचारवान और वैराग्यवान, पर है क्या? उसकी चित्त स्थिति कौन समझ रहे है अच्छे से? श्री कृष्ण कितने अच्छे से उसकी चित्त स्थिति समझ रहे, वो जान रहे इसका जो वैराग्य है ना, यूं ही है, एक तो निमित्त से है, और वो भी निमित्त भी बड़ा क्या, मोह कायरता रूप जो उसके कारण से इसका वो बन रहा है, वैराग्य हो रहा है, वैराग्य नहीं है, वैराग्य का आभास मानते हैं। वैराग्य हो जाए देखो इस परम पद को, तभी प्राप्त कर सकते। समझ आए? कितनी बड़ी पूंजी पाली साधक ने, कितनी बड़ी पूंजी की, वैराग्य, राग निवृत्त हो गया। कहाँ से बता रहे हैं? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, कितनी बड़ी बात, जो कुछ भी सुना रहे, स्वर्ग में ऐसा है, ऐसी अप्सराएं है, ऐसे दिव्य भोग है, ऐसे दिव्य लोक है, उन सब से जो सुना हुआ है और जो नहीं सुना हुआ है, लेकिन
सुनने का विषय हो सकता है उन सब से भी जो देखा हुआ है और जो देखने में आने वाला है, उन सब से भी जो मनन किया हुआ है और जो मनन नहीं किया हुआ है, मन का विषय होने वाला है, उन सब से भी मुक्त हो जाएगा। साधारण बात है, साधारण बात है क्या? तो इन सब से मुक्त हो जाएगा, और जब इन सब से मुक्त हो जाएगा तो हम इसका फल बता रहे हैं जो वास्तविक फल है। आगे वाले 53 वाले श्लोक वास्तविक फल बता रहे, जो पीछे भी बता दिया था एक पंक्ति में, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम, अब उसको बता रहे। श्रुति वि प्रतिपन्नाते यदास्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धे तदा योगामवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि यदा, फिर सब दे दिया, यदा जब दिया है, इसका मतलब भाई अभी की बात नहीं है या आज की या कल की बात नहीं है, प्रयत्न करेगा तो इस प्रकार धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य अपने धर्म में स्थित रहेगा तो यदा माने जब ते बुद्धि, बुद्धि यहाँ नीचे वाली ले लेना या अध्याहार कर लेना, जब तेरी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना जो सुन सुन करके क्या हो रखी है, विविध प्रकार की प्रतिपत्ति जो हो रखी है ना, विविध प्रकार की, अरे कभी स्वर्ग, अरे स्वर्ग में बड़े दिव्य है, अभी पता लगा अरे ब्रह्मलोक में तो और भी ज्यादा आनंद है, अरे फिर अरे विष्णु लोक में तो और परमानंद है, तो इस प्रकार का सुना हुआ है ना। तो जब तेरी बुद्धि श्रुति भी प्रतिपन्ना जो सुन सुन करके क्या हो रखी है, चलायमान हो रखी है, सुन सुन करके जो चंचल हुई हुई है, नहीं मैं बहुत छोटा था तब, मैं भी पहले शिव को इष्ट मानता था, वो बहुत ही छोटा था, तो पूरा पूरी एकाग्रता से ध्यान करता और यूँ लगता है जैसे कि भाई भगवान शंकर हर समय विराजमान है, हर समय ऐसा भाव बना रहता। तो फिर एक दिन मैं आनंद आश्रम जा रहा था, और मेरे ध्यान है कि ये ध्यानी का है ना जो अपने वाला गेट बन गया, वहाँ पर मैं गया तो मैं पढ़ता रहता था ग्रंथ, तो उस समय जो मैं तुम्हें बताया चंद्रकांत आदि रामकृष्ण परमहंस के चरित्र आदि, ये तो बहुत पहले मैंने 10वीं क्लास से भी पहले पहले ही पढ़ लिए थे सब ग्रंथ, ब्रह्म कुमारियों का वो सब से इतना मोटा ग्रंथ है वो भी सब बहुत पहले पढ़ लिए थे, पढ़ते पढ़ते 10वीं क्लास में। तो मैं सोचता कि भाई ये तो विष्णु भगवान शायद ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा बड़े हैं, तो फिर विष्णु भगवान का करने लगा। तो बता रहा हूँ है श्रुति भी प्रतिपन्ना सुन करके जो बुद्धि क्या होती है, चंचल होती है ना, कभी ये करने लग जाता है, कभी है किसी ने बताया ओम का करने लगा, कभी ज्योति का ध्यान करने लगा, कभी शब्द सुनने लगा है, और कभी हृदय में ध्यान करने लगा, कभी भ्रकुटी में करने लगा, कभी ब्रह्मरंध्र में करने लगा, कभी मूलाधार में करने लगा है, कभी जो है वो और शक्तिपात के अनुसार करने लगा, कभी जो ये करवाते हैं ना कि भाई ज्योति को देखो यूँ आँख बंद करके यूँ करने लगा, विविध प्रकार की वो है। तो ये सब क्या है, श्रुति भी प्रतिपन्ना हा। तो इनके जो सुने हुए है ना प्रशंसा फल, कि ऐसे आंख बंद करके या थोड़ा सा दबाऊंगे, ज्योति का ध्यान करोगे तो क्या हो जाएगी, इससे आपको दूसरे के चित्त का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। एक महात्मा थे, उन्हें देखे तो उन्होंने बताया था ये बात हमें, और ये नंगली वाले जो ये वो यही साधना करवाते हैं, लेकिन वो बहुत साधननिष्ठ थे महात्मा, सब तो साधननिष्ठ इतने होते नहीं है, थोड़ा बहुत कर लिया घंटा दो घंटा तीन घंटा कर लिया, पर वो बड़े साधननिष्ठ थे।
तो उन्होंने बताया कि जैसे पीछे कोई है ना, तो उनको पीछे का भी पता रहता, पीछे भी दिखता था, मतलब जैसे पीछे से कोई आ रहा है, 100 फीट की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, वो सब दिखता था, दिखता था। ऐसा हमने भी स्पष्ट रूप से उनको देखा है कि उनको ये था याद, और भी विविध प्रकार की सिद्धियाँ थी। तो ये क्या है, उनके अर्थवाद फलश्रुति, कि उनकी भाई ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा सुने हुए ना खूब, तो उसी बात को कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना। सुन सुन करके जो बुद्धि क्या हो रखी है, विक्षिप्ता चंचला चपला चलायमान, क्या हो रखी है, चलायमान हो रखी, चंचल हो रखी है। यदा माने जब तेरी बुद्धि सुना हुआ जो है ना, उनसे जो विक्षिप्त हुई हुई है, वो विक्षिप्त बुद्धि क्या हो जाएगी, निश्चला स्थास्यति, निश्चल हो करके टिक जाए, ठहर जाएगी। जो तेरी बुद्धि अनेकों फल श्रुतियों से, अनेकों फल श्रुतियों से क्या हो रखी है, विप्रतिपन्न हो रखी है, विक्षिप्ता, भाष्यकार ने बोले विक्षिप्त, जो चंचल हो रखी है, ऐसी बुद्धि यदा निश्चला स्थास्यति, जब निश्चल हो जाएगी, ठहर जाएगी, तदा माने तब अचला समाधौ है, तदा अचला समाधौ बुद्धि योगम अवाप्स्यसि, तदा तब ते बुद्धि, तब तेरी बुद्धि समाधौ अचला। अब यहाँ समाधौ का मतलब क्या करना है, समाधौ का मतलब यहाँ समाधि नहीं है, समाधौ का मतलब अब लिख दिया उन्होंने तो समाधि, उनका तो क्या मतलब है जी, आत्मा में, हाँ ये ठीक है। तो अचलौ समाधौ माने समाधि में, समाधि माने क्या बताया है कि सम्यग रूप से समाधीयते अस्मिन् इति समाधि, जिसमें जो आपका चित्त है वो स्थित हो जाता है, किस में स्थित हो जाता है, किस में स्थित हो जाता है, आत्मा में ना, किस में स्थित हो जाएगा, या आत्मा में स्थित लगाएंगे, वहाँ लगा अर्थ लगाया था, तो वहाँ लगाया था अर्थ कि जिसमें ये सब इंद्रिया आदि सम्यक रूप से स्थित हो जाती है, वहाँ समाधि का अर्थ अंत्यकरण किया था, और यहाँ समाधि का अर्थ करेंगे आत्मा। तो देखो सम अचला समाधौ, अचल समाधि में मतलब अचल रूप से विक्षेप रहित हो करके, देखो पीछे क्या बोल दिया है, निश्चला बोल दिया और यहाँ अचला बोल दिया, क्या मतलब, क्या मतलब, पीछे बोला है निश्चला और अब क्या बोल दिया है, अचला, तो वहां पर तो क्या बता दिया था, निश्चल माने विक्षेप रहित तो हो जाएगी, चंचलता का परित्याग कर देगी, लेकिन जैसे बुद्धि है चंचलता का तो परित्याग कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ विकल्प बना हुआ है, कुछ न कुछ विकल्प, मान लो जो भी आप वो कर रहे हैं, जिस किसी का भी ध्यान या चिंतन, वो विकल्प तो बना हुआ है ना, तो ये सविकल्प समाधि हुई, तो सविकल्प समाधि की बात चल रही है, यहाँ पर क्या बात चल रही है, निर्विकल्प। तो ये अचलाह का मतलब यहां ले लेंगे निर्विकल्प, निर्विकल्प रूप से तेरी बुद्धि जब आत्मा में, समाधौ माने आत्मा में ठहर जाएगी है, तदा, तदा तो हो गया, तब तेरी बुद्धि क्या हो जाएगी, अचल हो करके आत्मा में स्थित हो जाएगी, योगम अवाप्स्यसि, योग को, योगम अवाप्स्यसि, अब इस योग यहाँ पर इसका अर्थ कर देंगे समाधि, पहले वाले समाधि का अर्थ क्या किया है, आत्मा, और यहाँ योगम का अर्थ क्या करेंगे, समाधि। कह जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, गड़बड़ सड़बड़,
यूं ही करना पड़ता है संस्कृत में, क्योंकि समाधि वो देखना पड़ता है ना, विभक्ति देख करके। ऐसे थोड़ा कि शब्द लिखा मिल गया तो कुछ भी अर्थ कर दो, विभक्तियों के अनुसार ही तो अर्थ लगेगा। तो समाधौ ये जो है सप्तमी का एक वचन है, तो इसलिए समाधि में का मतलब है आत्मा में स्थित हो जाएगी, और योगम अवाप्यसि योग की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। समझ आया? ये फल बताया है, इसका फल बताया है समता बुद्धि योग और सांख्य योग दोनों का जो अंतिम फल है। समता बुद्धि योग का फल बता दिया, क्या बताया? यहीं पर पाप पुण्य से का परित्याग कर देगा यहीं पर, और क्या हो जाएगा कि उसकी बुद्धि जो है वो मोह रूपी कलिद को पार कर जाएगी, और वो सुने हुए और सुनने में आने वाले से वैराग्य हो जाएगा। ये फल किसका था? ये फल था समता बुद्धि योग का। और ये वाला जो फल बताया है कि समता बुद्धि योग के अनंतर जब सांख्य योग का वो आश्रय लेगा, चिंतन मनन करेगा, और ज्ञान की परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये उसका फल होता है। समझ आ गया? तो जब तेरी यदा जब तेरी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्ना जो सुने हुए है ना विविध फल श्रुति, तो उनसे जो चंचल हो रखी है वो चंचलता को छोड़ करके निश्चला स्थास्यति निश्चल रूप से ठहर जाएगी। किसमें? समाद अचला समाधौ, अचल हो करके आत्मा में जब स्थित हो जाएगी तब बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुझे क्या होगी? योग की प्राप्ति हो जाएगी, समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात तू मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर तो बता दिया, अब ये बात जब सुनी अर्जुन ने है तो विचारवान है ही, शुद्ध अंतःकरण वाला है ही, तो अब अर्जुन जो है अर्जुन को प्रश्न का बीज मिल गया। तो अब अर्जुन प्रश्न करेगा कि महाराज ये तो बड़ी दिव्य स्थिति है, है कि बुद्धि जो सबसे सबका सबको पार करके और उस परमात्म तत्व में टिक जाएगी, ठहर जाएगी, शांत हो जाएगी, तो ये तो बड़ी दिव्य स्थिति है। तो ऐसे जो महात्मा हैं उनके क्या लक्षण हैं, तो ये बात को लेकर के अर्जुन प्रश्न करेगा, उनका विचार कर करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।